So good evening, bacha log. We are going to continue with this session on morphology, which is part 2. In this, we are going to start with, after studying types of roots, we are going to see kya kya modifications aate hai roots mein. So in the last class, we had seen about two types of root. First was the tap root and the second one was called as the adventitious root. तो रूट्स कितने टाइप के थे हमारे पास? टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट, ये टैप रूट में कौन से मॉडिफिकेशंस आते हैं? टैप रूट में कौन से मॉडिफिकेशंस आते हैं? मॉडिफिकेशंस मतलब चेंजेस. बिफोर सीइंग व्हाट चेंजेस वी कैन सी इन अ टैप रूट, लेट अस सी एक शॉर्ट समरी में वॉट इज अ टैप रूट. सो टैप रूट इज नथिंग बट हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें ये प्राइमरी रूट है. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी रूट. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विच आर कॉल्ड एज टर्शियरी रूट्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टैप रूट. व्हेन वी से एडवेंटिशियस रूट, इसमें दे आर नथिंग बट दे आर डूइंग एडवेंचर लाइक रूट्स. दे डू नॉट ग्रो डीप इन टू दी सॉइल. दे डू नॉट ग्रो वर्टिकली डीप इन टू दी सॉइल. सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स. सो व्हेन वी सी अ टिपिकल रूट, एक टिपिकल अगर हम लोग रूट देखते हैं, तो अगर एक टिपिकल हम लोग रूट देखते हैं तो उसके रूट के फंक्शंस क्या है? रूट का मेन फंक्शन है, पहला फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल्स. क्या होता है? एब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल्स इज द मेन फंक्शन. सेकेंड, वो क्या करता है? फिक्सेशन करता है. किसका? ऑफ द प्लांट. फिक्सेशन ऑफ द प्लांट टू द सबस्ट्रैटम. टू द सबस्ट्रैटम मतलब सरफेस. इट इज गोइंग टू डू द फिक्सेशन ऑफ द प्लांट कहाँ पे? टू द सरफेस. एंड नेक्स्ट, जो उसने एब्जॉर्ब किया है उसका क्या करना है? कंडक्शन ऑफ दीज वाटर एंड मिनरल्स. सो दीज वाटर एंड मिनरल्स विल बी ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स. मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या है उसका? वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स एंड बाद में कंडक्शन भी करेगा. कंडक्शन मतलब पास भी करेगा. एंड नेक्स्ट, वो पूरे प्लांट को क्या करता है? फिक्सेशन करता है. किसका? प्लांट का. टू दी सरफेस. सरफेस मतलब सबस्ट्रैटम. इट इज गोइंग टू डू दी फिक्सेशन टू दी सबस्ट्रैटम. जब भी हम लोग ये वर्ड पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब जो एक्स्ट्रा काम रूट करता है, ये तो उसके मेन प्राइमरी जॉब है. ये तो मेन उसका मेन जॉब यही है. ये कर ले रूट, बस हो गया. क्या रूट्स एक्स्ट्रा करते हैं? व्हाट आर दी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस? That we are going to see over here. Extra modifications means when we say modifications in the root, here we are going to say roots अपने अंदर क्या changes करते हैं. Modification word का मतलब क्या होता है? Changes. जैसे एक simple example, you take a bike and you get in and you change the color, you change its looks, तो क्या बोलेंगे हम लोग? Modified bike. वैसे ही रूट का मेन फंक्शन हमने देखा, वो एडिशनल काम क्या कर रहा है उसका रेगुलर काम के अलावा, दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन. सो सम रूट्स दे स्टोर फूड. सम रूट्स दे स्टोर फूड एंड दे बिकम स्वोलन एंड फ्लैशी. कैसे बन जाते हैं? स्वोलन एंड फ्लैशी मतलब ये मोटे बन जाते हैं. ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन है. इन लोग अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं and they become swollen and fleshy. Now some roots, they are green in color. Roots become green in color due to the presence of chlorophyll. Due to the presence of chlorophyll and as a result they are going to perform. Kya perform karenge? They are going to perform photosynthesis. Kya perform karenge bacha log? Photosynthesis. Now some roots they are aerial. They are hanging in the air. कहाँ पे हैंगिंग हो रहे हैं? इन द एयर. दे आर हैंगिंग इन द एयर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. दे आर कॉल्ड एज एरियल रूट्स और हैंगिंग रूट्स. ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एयर. ये वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एयर. देन वी हैव सम पैरासाइटिक रूट्स. पैरासाइटिक रूट्स क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे वी हैव द होस्ट प्लांट ओवर हियर. दिस इज आर होस्ट प्लांट, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो ग्रीन कलर वाला हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक रूट. ये इसके पास से एब्जॉर्ब कर रहा है. अगर खाली वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे
पार्शियल पैरासाइट. पैरासाइटिक रूट्स व्हेन इट इज अब्सॉर्बिंग ओनली वाटर इट इज कॉल्ड एज, वाटर के साथ मिनरल्स भी आता है, वाटर एंड मिनरल्स रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे पार्शियल पैरासाइट. क्या बोलेंगे उसको? पार्शियल पैरासाइट. व्हेन इट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब वाटर मिनरल्स एंड फूड, वाटर मिनरल्स एंड फूड, साथ में फूड भी आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? टोटल पैरासाइट. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट पैरासाइट, टोटल पैरासाइट और कंप्लीट पैरासाइट. आफ्टर दिस वी कैन सी और भी जो फंक्शन करते हैं. सम रूट्स हैव गॉट एयर स्पेसेस इन देम, कोई कोई रूट्स के पास एयर स्पेसेस है जिससे वो क्या करता है? बॉयंसी देता है एंड हेल्प दी रूट टू फ्लोट. रूट को क्या अलाउ करता है? फ्लोट करने के लिए. इनको हम बॉयंट रूट्स बोलेंगे. ये रूट्स ना पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि रूट्स के अंदर क्या है? एम्प्टी स्पेसेस, मतलब क्या है? एयर स्पेसेस जिसमें क्या फील्ड है? एयर. एयर फिल होने की वजह से इट इज गिविंग देम बॉयंसी. बॉयंसी मीन्स इट इज हेल्पिंग द रूट टू फ्लोट इन वॉटर. किसमें हेल्प करे रूट को? ऑन टू फ्लोट ऑन वॉटर. सो दीज आर द एडिशनल मॉडिफिकेशंस. लेट्स स्टार्ट विथ आर टॉपिक ऑन फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू सी इज जो हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं अभी वो है मॉडिफिकेशंस. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट. इसका एक समरी चार्ट पहले मैं आपको दिखाती हूँ. मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट. सो दिस मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट ये टॉपिक में वी आर गोइंग टू सी दो अलग अलग मॉडिफिकेशन आने वाले हैं. पहला वाला आने वाला है फॉर फूड स्टोरेज. फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज गोइंग टू बी फॉर फूड स्टोरेज एंड द सेकेंड मॉडिफिकेशन इज गोइंग टू बी फॉर रेस्पिरेशन. सेकेंड मॉडिफिकेशन किसके लिए होगा बच्चा लोग? फॉर रेस्पिरेशन. सो जब भी हम लोग फूड स्टोरेज की बात करेंगे इसमें क्या होगा? फूड स्टोरेज की बात करेंगे तो इन दिस वी आर गोइंग टू से जो टैप रूट है ना वो क्या करने वाला है? इट इज गोइंग टू स्टोर. हियर वी आर गोइंग टू से जो टैप रूट है ना वो क्या करेगा? स्टोर करेगा फूड. इट इज गोइंग टू स्टोर फूड एंड बिकम स्वोलन एंड फ्लैशी. क्या बन जाएगा? मोटू बन जाएगा. बिकम स्वोलन एंड फ्लैशी. So this is going to store food and become swollen and fleshy. In this we have tap root storing food. कौन से form में food store करेंगे? They are going to store food obviously in the form of starch. Plant है तो कौन से form में store करेंगे food? In the form of starch. So here we are going to see तीन different types है. We are going to have first one which is called as fusiform. पहला form को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? Fusiform. Second one we have got is conical and third one we have got is nappy form. छोटे बच्चे पहनते हैं ना nappy, nappy form. So what we have is fusiform, conical and nappy form. As the name suggests, नाम से कुछ नहीं समझ में आ रहा है. देखो यहाँ पे fusiform में हम लोग क्या बोलेंगे? This root is swollen कहाँ पे? In the middle and tapering towards the ends. So here what we have made this as the radish. क्या बनाया हमने ये? Radish. Radish कैसे होता है? This radish is बीच में से मोटा and दोनों end से कैसे होएगा? पतला. बीच में से मोटा and दोनों end से पतला. So if we draw this as the radish, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? We can say the root is swollen. कहाँ पे swollen है? In the middle. Root कहाँ पे swollen है? In the middle. Middle में क्या है? Swollen. And tapering at both the ends. And दोनों ends पे कैसे है? Tapering. Tapering at both the ends. So when we say fusiform, हमारे पास जो रूट है वो कैसा है? बीच में से मोटा एंड दोनों एंड से कैसा है? पतला. So the example for this over here we have is radish. We have is radish. This radish is called as Rafanus. ये radish का scientific name क्या है बच्चा लोग? Rafanus sativus. Rafanus sativus. Rafanus sativus.
इसका मतलब क्या है? दिस रफेनस इज द नेम ऑफ द जीनस एंड सटाइवस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज. रफेनस इज द नेम ऑफ द जीनस एंड सटाइवस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज. सो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जब हम लोग देखते हैं कोनिकल, कोनिकल वर्ड का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू हैव दिस एज कोनिकल. मतलब ये जो स्वोलन रूट है ना, दिस इज स्वोलन एट द बेस एंड इट टेपर्स टुवर्ड्स द अपेक्स. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो रूट है ना, रूट ये जो अपना कैरेट है, इज स्वोलन. कहाँ पे स्वोलन है? एट द बेस. कहाँ पे स्वोलन है? एट द बेस एंड टेपर्स टुवर्ड्स द अपेक्स. किसकी तरफ टेपर करे? टुवर्ड्स द अपेक्स. टेपर्स टुवर्ड्स अपेक्स. अपेक्स की तरफ दे आर पॉइंटेड. यहाँ पे बेस की तरफ कैसे? दे आर ब्रॉड. बेस की तरफ कैसे? दे आर ब्रॉड. एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस इज कैरेट. क्या एग्जाम्पल? कैरेट, जिसको बोला जाता है डैकस करोटा. दिस इज डैकस करोटा. कैरेट का साइंटिफिक नेम इज डैकस करोटा. इसको कोनिकल क्यों बोला गया है? ये कोन की तरह है ना, इसका बेस कैसा है? ब्रॉड. और नीचे कैसे? अपेक्स कैसा है? टेपरिंग. इसमें ब्रॉड कहाँ पे? इन दी मिडल. एंड दोनों एंड्स पे कैसे है? टेपरिंग. मतलब यहाँ पे वो मोटा बीच में है और दोनों एंड से पतला. यहाँ पे इट इज ब्रॉड. कहाँ पे? एट दी बेस एंड टेपर्स टुवर्ड्स दी अपेक्स. अभी इसको नैपी फॉर्म क्यों बोला गया है? नैपी फॉर्म. यहाँ पे जो स्वोलन रूट है ना, दिस रूट इज ऑलमोस्ट स्वोलन एंड इट बिकम्स स्फेरिकल एंड इट एब्रप्टली टेपर्स टू फॉर्म द नैरो अपेक्स. तो यहाँ पे जो रूट है ना, रूट इज स्वोलन. कैसे स्वोलन है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल. रूट इज स्वोलन. कैसे स्वोलन है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल है. कैसा है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल. एंड नीचे अगर आप देखोगे, जब ये आ रहा है वो रूट इज स्वोलन ऑलमोस्ट स्फेरिकल एंड बाद में वो नीचे जब ये आ रहा है तो क्या दिख रहा है? ये एब्रप्टली टेपर हो रहा है. इट एब्रप्टली टेपर्स टुवर्ड्स द नैरो अपेक्स. इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आप लोगों? इसका शेप कौन सा है? कोनिकल. ये कोनिकल शेप है. बेस ब्रॉड है, नैरो अपेक्स. बट इसमें बेस में क्या हो रहा है? स्फेरिकल बन रहा है. स्फेरिकल, इस करके नैपी फॉर्म नाम दिया गया है. सो वी कैन से द रूट इज स्वोलन ऑलमोस्ट स्फेरिकल एंड एब्रप्टली टेपर्स टुवर्ड्स द अपेक्स. एब्रप्टली टेपर्स टुवर्ड्स द अपेक्स. एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस ओवर हियर वी हैव इज बीट रूट. बीट रूट है हमारे पास एग्जाम्पल, जिसको बोला जाता है साइंटिफिक नेम एज बीटा वल्गैरिस. बीटा वल्गैरिस, दिस इज द साइंटिफिक नेम. किसका? बीट रूट. सो जब हमने बोला फर्स्ट वाला कौन सा? फ्यूजी फॉर्म. कौन सा एग्जाम्पल था? रेडिश. कोनिकल के लिए एग्जाम्पल क्या है? कैरेट. एंड नैपी फॉर्म के लिए वी हैव बीट रूट. ओके, फॉर रेस्पिरेशन, यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. लेट अस मूव दिस ओवर हियर. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वी विल ब्रिंग दैट अहेड बैक. वापस यहाँ पे लेके आएंगे. यहाँ पे ये हमारा झाड़ है, ठीक है? वी हैव दिस एज अ प्लांट. ये अपना नॉर्मल प्लांट है, सूखी प्लांट है. वी कैन कॉल दिस एज सूखी प्लांट बिकॉज इसके पास रूट्स है जो सॉइल में ग्रो हो रहे हैं. बट इसको अचानक से एक प्रॉब्लम आया. क्या? यहाँ पे सॉल्ट लेक्स या मार्शी प्लेसेस कीचड़ दलदल आ गया. मतलब यहाँ पे दी रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर गेटिंग ऑक्यूपाइड बाय वाटर. मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे कीचड़ है, दलदल है, या तो सॉल्ट लेक्स है या तो मार्शी प्लेसेस है. नाउ अंडर सच सर्कमस्टेंसेस ये जो बेचारे रूट्स जमीन के नीचे हैं, जो है नीचे, क्या नहीं मिल रहा है इनको? दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन. क्या नहीं मिल रहा है इनको? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन. सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो रूट जो पहले नीचे ग्रो हो रहे थे, नीचे ग्रो हो रहे थे मतलब दे वर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक बिकॉज दे वर ग्रोइंग कहां पे? टुवर्ड्स द सॉइल. बिकॉज दे सॉइल की तरफ ग्रो हो रहे थे तो कैसे थे? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक. पानी की तरफ ग्रो हो रहे थे नीचे तो दे वर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक. अभी क्या हो जाएगा? ये जो रूट्स फर्स्ट दे ग्रो टुवर्ड्स दी सॉइल एंड नाउ दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दी सॉइल इन दी फॉर्म ऑफ कोनिकल स्पाइक्स. ये रूट्स क्या होंगे? दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दी सॉइल इन दी फॉर्म ऑफ कोनिकल स्पाइक्स.
Now these conical spikes are called as pneumatophores. ये देखो roots पहले नीचे grow होंगे, then they are going to come out of the soil in the form of conical spikes. ये जो conical spikes बाहर आएंगे ना उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, pneumatophores. मतलब ये जो मैंने बनाया ना बाहर आया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, pneumatophores. Pneumatophores. अभी आप पूछ रहे हैं अगर इनको बाहर ही आना था नीचे क्यों ग्रो हुए. मैंने आपको बोला पहले प्लांट वॉज अ नॉर्मल प्लांट, इट वॉज ग्रोइंग कहाँ पे, टुवर्ड्स दी सॉइल, रूट्स वर ग्रोइंग टुवर्ड्स दी सॉइल, बट बिकॉज ऑफ द आउटसाइड एक्सटर्नल कंडीशंस, आउटसाइड एक्सटर्नल कंडीशंस क्या हो गया, मार्शी प्लेसेस आ गया, सॉल्ट लेक्स आ गया, वॉटर फ्लड हो गया, तो दीज प्लांट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज हैलोफाइट्स विच आर लिविंग इन सॉल्टी प्लेसेस, मार्शी प्लेसेस, सॉल्ट लेक्स, जहां पे जो रूट का सरफेस है दे आर गेटिंग कवर्ड विथ वॉटर. किसे कवर्ड है, विथ वॉटर. सो अंडर दिस कंडीशन जो बेचारे रूट्स है दे आर नॉट एबल टू गेट, क्या नहीं मिल पा रहा है उनको, ऑक्सीजन. सो बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन सो दीज रूट्स आर गोइंग टू फर्स्ट ग्रो कहाँ पे, टुवर्ड दी सॉइल. नंतर क्या होणार, बाहर आएंगे, दे विल कम आउट ऑफ द सॉइल, उल्टा हो जाएंगे, दे विल बिकम नेगेटिवली जियोट्रोपिक. पहले पॉजिटिवली जियोट्रोपिक थे जब ये सॉइल की तरफ ग्रो हो रहे थे, अभी वो बाहर आएंगे, दे आर गोइंग टू बिकम नेगेटिवली जियोट्रोपिक एंड दे विल कम आउट ऑफ द सॉइल एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म कोनिकल स्पाइक्स. क्या बन जाएंगे, नोकीली काटेरी, कोनिकल स्पाइक्स विच आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स. अब ये न्यूमैटोफोर्स में क्या खासियत है, दीज न्यूमैटोफोर्स आर गोइंग टू हैव, ये देखो ये न्यूमैटोफोर को जूम किया, ये अगर हमारे पास न्यूमैटोफोर है तो उनके पास वॉट वी आर गोइंग टू सी, दे आर गोइंग टू हैव स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो छोटे छोटे होल्स रहेंगे उसके ऊपर, ये जो बाहर आएंगे न्यूमैटोफोर्स उनके ऊपर क्या रहेंगे, छोटे छोटे होल. ये जो छोटे छोटे होल रहेंगे ना इस पे, दीज आर कॉल्ड एज लेंटी सेल्स. क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज लेंटिकल्स, बट हम लोग जो दिख रहा है वो पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड लेंटी सेल. हमको लेंटिसेल दिख रहा है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स. ठीक है, तो दीज आर लेंटिसेल्स विच आर स्मॉल पोर्स, किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्या करने वाले हैं यहाँ पे लेंटिसेल से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो दैट इज व्हाई दीज रूट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स, बिकॉज इनमें जो छोटे होल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, इससे क्या होता है, जो रूट्स बेचारे नीचे फंस गए थे उनको अभी क्या मिलेगा, दे आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन. ठीक है, अभी इनको एक और नाम गया बोला गया है, दीज रेस्पिरेटरी रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग रूट्स. क्या बोला जाता है इनको, ब्रीदिंग रूट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमैटोफोर्स. आप मुझे बताओ ये न्यूमैटोफोर क्या होता है, ये जो कोनिकल आए हैं बाहर सॉइल के बाहर, जो कोनिकल स्पाइक्स आए हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स, और उनमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं व्हाट आर दोस कॉल्ड एज लेंटिसेल्स विच आर मेंट किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो लेट अस सी दिस वन अगेन, यहाँ पे देखते हैं अपना आंसर. सो फॉर रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू सी, फॉर रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू सी यहाँ पे प्लांट्स कौन से है बच्चा लोग, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज हैलोफाइट्स. ये प्लांट्स को क्या बोला जाता है, हैलोफाइट. व्हाई दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज हैलोफाइट, बिकॉज दीज प्लांट्स आर लिविंग इन सॉल्टी एंड मार्शी प्लेसेस, सॉल्ट लेक्स जहाँ पे पानी है, एंड कीचड़ दलदल मतलब मार्शी प्लेसेस. कौन सा प्लेसेस है, मार्शी प्लेसेस. सो इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं, नंबर वन क्वेश्चन ये आपने दिमाग में आएगा, कौन से प्लांट आते हैं, तो द नेम्स ऑफ द प्लांट्स विल नॉट बी एप्पल, मैंगो, टमाटो नहीं होगा, बट ऑब्वियस द नेम्स ऑफ दीज प्लांट्स इंक्लूड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज राइजोफोरा, राइजोफोरा, देन वी हैव सोनरेशिया, then we have is hairy tiara. जो ये plants है ना, these plants are living कहाँ पे, in salt lakes. कहाँ पे live करे, in marshy places. यहाँ पे जो होते हैं ना plants, ये जो plants है ना, the roots of these plants, the roots of these plants do not get oxygen. ये जो plants है ना, the roots of these plants Thank you.
आर पहले कैसे होते हैं, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक दैट इज ग्रो कहां पे करते हैं, टूवर्ड्स सॉइल, कहां पे ग्रो कर रहे हैं, टूवर्ड्स सॉइल. बट हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बन जाते हैं, नेगेटिवली जियोट्रोपिक. रूट्स बिकम क्या करते हैं, बिकम नेगेटिवली जियोट्रोपिक, नेगेटिवली जियोट्रोपिक एंड दे कम आउट ऑफ द सॉइल. कैसे बन जाते हैं, नेगेटिवली जियोट्रोपिक एंड कम आउट ऑफ द सॉइल, कम आउट ऑफ सॉइल एंड क्या बनाते हैं इन लोग, इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल स्पाइक्स, इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल स्पाइक्स. व्हाट आर दोस कोनिकल स्पाइक्स कॉल्ड एज, कोनिकल स्पाइक्स को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, न्यूमैटोफोर्स. दोस कोनिकल स्पाइक्स आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स. नाउ दीज कोनिकल स्पाइक्स आर कॉल्ड एज न्यूमैटोफोर्स. दे हैव गॉट पोर्स, क्या है उनके पास, पोर्स. पोर्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे होल, उनमें पोर्स रहते हैं ऑन देयर सरफेस. दीज न्यूमैटोफोर्स हैव पोर्स ऑन सरफेस. The pores on the surface are called as lenticels. क्या बोला जाता है इनको, lenticels. अब ये जो pores है surface में which are called as lenticels, they are meant for exchange of gases. किसके लिए है, for exchange of gases. So ये roots को तीन नाम है total बच्चा लोग, तीन नाम मतलब पहला नाम है pneumatophores, पहला नाम है pneumatophores. सेकेंड नाम है ब्रीदिंग रूट्स एंड थर्ड नाम इज द रेस्पिरेटरी रूट्स. थर्ड नेम इज द रेस्पिरेटरी रूट्स. सो रूट एक है, इनको ये सब नाम क्यों है, क्योंकि जो कोनिकल स्पाइक्स है उसको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, जिसके अंदर होल्स रहते हैं लेंटिसेल्स, जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन. तो इस करके क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रूट्स. So with this we have seen about the modification. कौन सा modification of taproot? जिसमें हमने modification of taproot में क्या देखा, for food storage and second वाला देखा किसके लिए, for respiration. Food storage में तीन था, fusiform, conical, napiform and for respiration we have seen pneumatophores. So with this we complete this. Second वाला आएगा, इसके बाद आएगा modifications कौन सा of adventitious root. अभी next वाला क्या आएगा, modification of adventitious roots. फाइन बच्चा लोग, आफ्टर दिस टैप रूट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू मॉडिफिकेशंस, किसका, ऑफ एडवेंटिशियस रूट. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट. सो लेट्स स्टार्ट, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. So we are seeing modifications of adventitious roots, modifications of adventitious roots. Now when we see these adventitious roots, हमने इनके characteristics ये देखे थे that they do not grow from the radical of the seed. Tap root कहां से grow हो रहा था, from the radical of the seed. जैसे हमारे पास जैसे बच्चा लोग हमारे पास ये अगर एक सीड है ना, दिस इज द सीड. जब भी हमने पढ़ा था टैप रूट तो हमने पढ़ा था वो कहां से ग्रो हो रहा था, यहां से. दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल. ये क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल. रेडिकल ऑफ द सीड से ग्रो हो रहा था कौन, टैप रूट. कौन ग्रो हो रहा था, टैप रूट. Tap root was going from the radical. But ये जो adventitious root है ना, ये radical से नहीं grow होते. ये कहाँ से grow होते हैं, ध्यान से सुनो. ये जो है ना tap root, ये जो adventitious root है ना, वो grow होते हैं from the base of the stem. Base of the stem, this is called as node region. This region is called as node. So here we have got cluster of equal sized roots which are arising from the base of the node. Wo roots kahan se aa rahe hain, these roots are coming from the base of the node.
So these are equal sized roots which are coming from the base of the node and इनको बोलते हैं adventitious root. So जब इनके modifications देखेंगे, so what are the modifications? Let us see. So in these modifications we have the first modification as the first modification will be for food storage. किसके लिए रहेगा? For food storage. The second modification will be for mechanical support. For mechanical support. The second one will be for mechanical support. And third one जो आएगा ना वो किसके लिए आएगा? For special functions. कौन सा आएगा third modification? Special functions. Special functions. So let's start with the first one, which is food storage. हम लोग ना इसके individual topics ना अलग अलग पढ़ने वाले हैं बिकॉज हर एक में बहुत सारे टाइप्स हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फूड स्टोरेज. सो व्हेन वी स्टार्ट फर्स्ट वन फॉर फूड स्टोरेज. फॉर फूड स्टोरेज तो ये फूड स्टोरेज के अंदर हमको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो पता ही है. फूड स्टोरेज वर्ड का मतलब क्या होगा? ये जो रूट है ये अपने अंदर फूड स्टोर करके एकदम स्वोलन एंड फ्लैशी बन जाएगा. So we are going to say the root is going to take in food or absorb food and become swollen and fleshy. So for this we have got how many types? Pehla aayega hamare paas simple tuberous root. Pehla aayega hamare paas simple tuberous root. When we say simple tuberous root, we have the example as sweet potato, which is called as Ipomoea batatas. जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा ना वो एग्जाम्पल कौन सा है? स्वीट पोटैटो विच इज नोन एज Ipomoea batatas. क्या बोलते हैं उसको? Ipomoea batatas. सो व्हाट इज द मोस्ट पेक्यूलर थिंग अबाउट दिस? इसका एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसको सिंपल ट्यूबरस रूट क्यों बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं बिकॉज दिस ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? दे आर गोइंग टू स्टोर फूड. इन लोग फूड स्टोर करते हैं अपने अंदर, इस करके इसको नाम क्या दिया गया? ट्यूबरस रूट, बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टोर फूड. नाउ दिस ट्यूबरस रूट बिकम स्वोलन एंड फ्लैशी. क्या बन जाता है? स्वोलन एंड फ्लैशी. एंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? दैट दीज रूट्स ग्रो सिंगली. कैसे ग्रो करते हैं? सिंगली. यहाँ पे सिंगली को हम लोग बोल्ड में डाल रहे हैं बिकॉज ये अकेले अकेले ग्रो होते हैं. देखो ये अगर रूट आ रहा है तो ये अगर रूट आ रहा है तो यहाँ पे ये हमारे पास स्वीट पोटेटो ना कैसे ग्रो होते हैं? सिंगली. कैसे ग्रो होते हैं? सिंगली. दीज स्वीट पोटेटो दे ग्रो सिंगली. दे डू नॉट ग्रो इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स. अकेले अकेले ग्रो होते हैं. इस करके क्या बोला इनको? सिंपल ट्यूबरस रूट. वेर एज जो अपना सेकेंड वाला आएगा दैट इज कॉल्ड एज फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट. क्या बोलते हैं उसको? फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट. नाउ व्हेन वी से द वर्ड फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट, इसमें जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है एस्पैरिगस एंड डहलिया. वी हैव द एग्जाम्पल एज एस्पैरिगस एंड दूसरा एग्जाम्पल है डहलिया. तो इसमें याद रखना है जो ट्यूबरस रूट है ना, ट्यूबरस रूट दे ग्रो इन क्लस्टर और ग्रुप. ट्यूबरस रूट ग्रो इन क्लस्टर. कैसे ग्रो होते हैं? इन क्लस्टर और इन ग्रुप्स. सो हियर वी कैन हैव द एग्जाम्पल ऑन द डायग्राम फॉर्म में. वी कैन सी दिस इज वन ट्यूबरस रूट. इधर से ही दूसरा आ रहा है, इधर से ही तीसरा आ रहा है. दिख रहा है आपको ये कैसे ग्रो हो रहे हैं? इन ग्रुप और इन क्लस्टर. सो इनको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट बिकॉज दिस ट्यूबरस रूट इज गोइंग टू ग्रो इन क्लस्टर और इट इज गोइंग टू ग्रो इन ग्रुप्स. अभी इसमें ही हमारा थर्ड टॉपिक आने वाला है विच इज कॉल्ड एज मोनिलीफॉर्म रूट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीडेड रूट. क्या बोलते हैं इसको? मोनिलीफॉर्म रूट्स और इट इज कॉल्ड एज बीडेड रूट्स और दे आर कॉल्ड एज बीडेड रूट्स. व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोनिलीफॉर्म और बीडेड रूट्स? दीज रूट्स हैव गॉट बीड लाइक अपीयरेंस. So, after this fasciculated tuberous root, we are going to see the third one, which is called as moniliform root.
इसको मोनिली फॉर्म रूट क्यों बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीडेड रूट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीडेड रूट्स. नाउ ये जो रूट्स है ना, इनको बीडेड रूट्स और मोनिली फॉर्म रूट्स क्यों बोला है? बिकॉज दीज रूट्स हैव गॉट स्वेलिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स. मतलब ये जो रूट्स है ना, ये कैसे दिखते हैं? रेगुलर इंटरवल्स पे स्वोलन दिखते हैं. दे आर लुकिंग लाइक अ बीड्स ऑन ऑफ अ नेकलेस. कैसे दिख रहे हैं? लाइक अ बीड्स ऑफ अ नेकलेस. सो दीज रूट्स दे शो स्वेलिंग्स. They show swelling at regular intervals. Swelling at regular intervals, like the bead of a necklace. Like beads on a necklace. Kaisa beads on a necklace. So that is why these roots are called as moniliform roots or beaded roots. The example for this, easy karke yaad rakhna hai, to you can remember this as Indian spinach which is our normal palak, but iska scientific name hai Spinacea oleracea. Spinacea oleracea. So this is the spelling for Indian spinach. So इसमें Spinacea क्या है? इसका genus का नाम. Oleracea is the species का नाम. Next, when we move on to the fourth root, which is the called as the nodulous root. Okay, बच्चा लोग nodulous word का मतलब क्या होता है? They are going to form nodes. क्या form करेंगे? Nodes. So these roots are going to have swollen tips or they are going to have enlarged tips. कैसे होंगे? The tips of the roots, the tips of the roots become swollen. कैसे बन जाते हैं? Become swollen or they become enlarged. कैसे बन जाते हैं? Or become enlarged. The tips of the roots become swollen or enlarged. And ends में वो किसी they are going to look like nodes. Node word का मतलब होता है हिंदी में गाट. गाट की तरह form करेंगे. They are going to form nodes. क्या form करेंगे? Nodes at the surface. They are going to form nodes at the surface. So the example for this we have is arrow plant, जिसको बोला जाता है Maranta root. We have the Maranta root. And second example for this is aam haldi, which is called as Curcuma amara. Curcuma amara. So that is aam haldi. These are the four different modifications जो कहाँ पे use होते हैं for food storage. Food storage के लिए चार है. कौन सा? पहले simple tuberous root जिसमें single ही grow होते हैं. Fasciculated tuberous root जिसमें वो कैसे grow होते हैं? In cluster. फिर next one आ रहा आएगा moniliform root which is called as beaded root. And fourth वाला आएगा nodulous. Nodulous में क्या है? They have got nodes. They have got enlarged tips. After this, for food storage, the next topic which we are going to see is for mechanical support. कौन सा आएगा? For mechanical support. So here we are going to see for mechanical support, हमारे पास कितने examples हैं? We have many examples for mechanical support. आप देखो बहुत सारे अलग अलग modification हैं. First one will be called as prop root. The first one is called as prop root. क्या बोलते हैं उसको? Prop root. अभी हमारे पास example plant यहाँ पे है banyan tree, which is called as Ficus bengalensis. क्या बोलते हैं उसको? Ficus bengalensis. Now in this banyan tree, because we know banyan tree is a huge tree, तो उसके जो horizontal branches होते हैं, these are the horizontal branches of a big tree like banyan tree. ये नॉर्मल हम लोग ने बच्चा लोग क्या बनाया? बैनियन ट्री. इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें देखो ये हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से जो रूट्स आ रहे हैं, ये दिख रहा है आपको येलो कलर में जो रूट्स बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स. दीज आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स. कहां से अराइज होते हैं? दे अराइज कहां से? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस. दे अराइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ बिग ट्रीज. Horizontal branches of big trees like banyan tree. Of big trees like banyan tree. ये क्या होता है? These roots are going to grow vertically downwards.
ये जो क्रॉप रूट्स है ना, दीज रूट्स कैसे ग्रो होते हैं? डाउनवर्ड्स. कैसे ग्रो होते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो होते हैं. दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड दे आर गोइंग टू एक्ट एज पिलर्स. एंड ये पेनिट्रेट करेंगे सॉइल में. दे आर गोइंग टू पेनिट्रेट द सॉइल. दे आर गोइंग टू एक्ट एज पिलर्स. किसकी तरह एक्ट करेंगे? पिलर्स की तरह. सपोर्टिंग दीज हैवी ब्रांचेस. किसको सपोर्ट करेंगे? हैवी ब्रांचेस. दीज रूट्स गो वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दे पेनिट्रेट दी सॉइल. किधर पेनिट्रेट करेंगे? सॉइल में. दे आर गोइंग टू एक्ट एज पिलर्स सपोर्टिंग दी हैवी ब्रांचेस. पिलर्स की तरह काम करेंगे विच आर गोइंग टू सपोर्ट दी हैवी ब्रांचेस. सपोर्ट हैवी ब्रांचेस. किसको सपोर्ट करने वाले हैं? हैवी ब्रांचेस. सो द एग्जाम्पल फॉर दिस इज बैनियन ट्री विच इज कॉल्ड एज फाइकस बेंगालेंसिस. सो ये जो रूट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस बहुत हैवी रहते हैं. वो उससे क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस नीचे झुक जाएंगे तो नहीं झुक पाएंगे अभी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस को क्या मिल गया अभी? पिलर्स. दीज रूट्स आर गोइंग टू ग्रो डाउन एंड दे आर गोइंग टू एक्ट एज पिलर्स विच आर गोइंग टू सपोर्ट दी हैवी ब्रांचेस. हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट करेंगे. अभी इसके बाद सेकेंड वाला, आफ्टर प्रॉप रूट वी हैव गॉट सेकेंड टॉपिक एज टिल्ट रूट. प्रॉप रूट के बाद सेकेंड टॉपिक कौन सा आएगा? स्टिल्ट रूट. नाउ स्टिल्ट रूट्स विल बी इन केस ऑफ वीक स्टेम लाइक शुगर केन. किसमें होगा? इन केस ऑफ वीक स्टेम लाइक शुगर केन. सो इफ आई ड्रॉ दिस शुगर केन ओवर हियर, इफ आई ड्रॉ दिस शुगर केन ओवर हियर, सो बच्चा लोग वी वर सीइंग अबाउट दी स्टिल्ट रूट. सो नाम उनका स्टिल्ट रूट है. व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर ओवर हियर इज दिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ वीक स्टेम. ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है. वीक स्टेम. वीक स्टेम लाइक शुगर केन. कौन सा एग्जाम्पल है? वीक स्टेम लाइक शुगर केन. और वी कैन हैव जोवर एंड मेनी अदर एग्जाम्पल्स. इनमें क्या होता है, हम लोग शुगर केन का एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. बिकॉज अगर आपने शुगर केन में देखा होगा, ये जो रीजन्स होते हैं ना, दीज रीजन्स वेयर देयर इज टाइटली पैक्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स, दीज रीजन्स आर कॉल्ड नोड. क्या बोलते हैं इनको? नोड. तो ये उसका नॉर्मल एडवेंटिशियस रूट है. ये नॉर्मल एडवेंटिशियस रूट है. अभी क्या होता है, ये देखो, ये लोअर नोड है. ये कौन सा है? लोअर नोड. यहाँ पे एडिशनल रूट्स आते हैं एंड दे आर ग्रोइंग इन अ वोल लाइक फैशन. कैसे ग्रो हो रहे? इन अ वोल. ये एडिशनल रूट्स हैं. जो येलो वाले रूट्स है ना, वो कौन से रूट्स है? येलो वाले नॉर्मल रूट्स है, येलो वाले, ठीक है. एंड ये जो ब्लू वाले रूट्स है ना, दीज आर एडिशनल सेट ऑफ रूट्स. दीज एडिशनल सेट ऑफ रूट्स विच आर कमिंग कहाँ से? फ्रॉम दी लोअर नोड. कहाँ से आ रहे? फ्रॉम दी लोअर नोड. दे आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट्स. ये जो ब्लू कलर में बनाया ना मैंने, इनको क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट्स. ये क्या करते हैं? दीज स्टिल्ट रूट्स आर गोइंग टू प्रोवाइड. कहाँ से अराइज हो रहे हैं? दीज स्टिल्ट रूट्स आर कमिंग फ्रॉम दी लोअर नोड. कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम दी लोअर नोड. इन केस ऑफ वीक स्टेम ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट. दे आर गोइंग टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट. किसको? टू दी वीक स्टेम. एडिशनल सपोर्ट किसको? टू दी वीक स्टेम. टू वीक स्टेम. सो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, दे आर ग्रोइंग इन अ वोल. वेन वी से द वर्ड बच्चा लोग वोल, मतलब यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर ग्रोइंग इन अ सर्कल लाइक फैशन. सो दिस इज वोल. बट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमारे टेक्सट बुक में दिया गया है रिगार्डिंग स्क्रू पाइन और पैंडेनस. स्क्रू पाइन और पैंडेनस, इनमें क्या होता है? ये जो स्टिल्ट रूट है ना, स्टिल्ट रूट, ये कैसे ग्रो होते हैं? दे ग्रो ऑब्लिकली. ऑब्लिकली मतलब टेढ़े बाहर आते हैं. इसमें कैसे ग्रो हो रहे? सर्कल लाइक फैशन में. एंड इसमें कैसे ग्रो होंगे? ऐसे टेढ़े बाहर ग्रो होंगे. टेढ़े बाहर ग्रो होंगे, बाहर की तरफ टेढ़े मेढ़े कहीं पे भी ग्रो होंगे. सो इसको क्या बोला? स्क्रूपाइन और पैंडेनस. सो स्टिल्ट रूट में किसमें होगा? इन केस ऑफ वीक स्टेम.
वीक स्टेम में जो एडिशनल रूट्स आते हैं, पहले तो जो बच्चा लोग होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स वो तो होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ एडिशनल रूट्स विच आर गोइंग टू अराइज कहां से, फ्रॉम दी लोअर नोड, कहां से अराइज होते हैं, फ्रॉम दी लोअर नोड, एंड व्हेन दे आर ग्रोइंग इन अ वोल लाइक फैशन, वो किसमें था, इन केस ऑफ शुगरकेन, एंड इन दिस ग्रुप आइन और पांडेनस दे आर गोइंग टू ग्रो, कैसे ग्रो होंगे, ऑब्लिकली, कैसे ग्रो होंगे, ऑब्लिकली. ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, थर्ड वन वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट क्लाइंबिंग रूट्स, कौन से रूट्स है. Now this climbing roots has got example as जो normal beetle leaf है which is पान का पत्ता, then we have this piper nigrum which is काली मिर्च, which is called as piper nigrum, then we have got the example as money plant जिसको हम लोग बोलते हैं पोटस भी बोलते हैं. सो इन दिस व्हाट हैपेंस, देखो जब भी हम लोग ये मनी प्लांट वगैरह बनाएंगे ना, देखो ये अगर मनी प्लांट बनाया हमने तो इसका कैसा होता है, इसको क्लाइंबिंग रूट क्यों बोला गया है, ये अगर हमारा मनी प्लांट है जिसमें ये उसका लीफ है, ठीक है, दिस इज आर लीफ. सो इसमें ना ये देखो ये उसके एडवेंटिशियस रूट्स है, ये मैंने नॉर्मल प्लांट बनाया जिसमें ये क्या है उसके एडवेंटिशियस रूट्स. सो इन केस ऑफ सच मनी प्लांट हम लोग को क्या दिखाई देगा, देखो बच्चा लोग यहाँ नोड रीजन है, यहाँ पे नोड रीजन है, यहाँ पे जो एडिशनल रूट्स आते हैं ना, दीज एडिशनल रूट्स, ये जो एडिशनल रूट्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, इनको बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट्स, इनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स. ये क्लाइंबिंग रूट्स के मदद से ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं टू दी सरफेस, attach to the surface and climb over it, and kya karte hain, climb over it, they attach to the surface and climb over it, so that is why this is called as climbing root. Kya bolte hain isko, climbing root. इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला आएगा वो यहीं पे करते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए. देखो ये जो क्लाइंबिंग रूट्स है ना बच्चा लोग, ये कहां से ग्रो हो रहा था, फ्रॉम दी नोड्स, कहां से ग्रो हो रहा है, फ्रॉम दी नोड्स. नाउ नेक्स्ट इफ वी सी फोर्थ वन इज क्लिंगिंग रूट, कौन सा रूट है, क्लिंगिंग रूट. व्हेन वी से क्लिंगिंग रूट, अब ये क्लिंगिंग रूट में आपको जो याद रखना है ना वो क्या याद रखना है, यहाँ पे नोड था, दीज क्लिंगिंग रूट्स आर प्रेजेंट इन रीजन्स विच आर कॉल्ड एज इंटरनोड. सपोज ये हमारा प्लांट है, ठीक है, एंड यहाँ पे दिस इज दी नोड, ये हमारा पास नोड है, ये उसका नॉर्मल क्या दिख रहा है अपने को, एडवेंटिशियस रूट. नाउ दीज क्लिंगिंग रूट्स दे आर गोइंग टू डेवलप कहाँ पे, एट दी इंटरनोड्स, एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनलार्ज डिस्क लाइक टिप्स, कैसे बनाएंगे, एनलार्ज डिस्क लाइक टिप्स. सो दीज आर कॉल्ड क्लिंगिंग रूट्स, क्लिंगिंग रूट्स जो कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, दे आर ग्रोइंग कहाँ पे, एट दी इंटरनोड्स, कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं बच्चा लोग, एट दी इंटरनोड्स. नाउ दे हैव गॉट डिस्क लाइक टिप्स, कौन से टिप्स है, डिस्क लाइक टिप्स. नाउ बिकॉज ऑफ दीज डिस्क लाइक टिप्स इट हेल्प्स देम टू स्टिक, इट हेल्प दिस प्रोड्यूस स्टिकी सब्सटेंस, क्या बनाते हैं ये लोग, स्टिकी सब्सटेंस, जिससे क्या होता है, दे आर गोइंग टू अटैच स्टिक टू दी सरफेस, किसको स्टिक होंगे, टू दी सरफेस. अभी एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग स्टार में मार्क करेंगे, ये खाली चिपकते हैं, दे डू नॉट डैमेज दी सरफेस, डू नॉट डैमेज दी सरफेस, ये सरफेस को डैमेज नहीं करते. जबकि अगर हम लोग ये देखेंगे क्लाइंबिंग रूट्स, यहाँ पे जो रूट्स है वो पेनिट्रेट करते हैं वॉल में, वो सरफेस के अंदर घुसते हैं, मतलब क्लाइंबिंग रूट्स क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू डैमेज दी सरफेस, वेयर एज क्लिंगिंग रूट्स आर जस्ट गोइंग टू स्टिक, क्या करेंगे, चिपकेंगे, दे आर गोइंग टू स्टिक टू दी सरफेस. एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लिंगिंग रूट इज इंग्लिश आईवी, द एग्जाम्पल फॉर दिस इज इंग्लिश आईवी. Which is called as Hedera helix. क्या बोलते हैं उसको, Hedera helix. H-E-D-E-R-A, Hedera helix. This is English ivy, which is called as Hedera helix. So this is the clinging root. Clinging root के बाद अपने पास और दो roots बाकी है, which we are going to see.
इसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट के लिए नेक्स्ट आएगा फिफ्थ वन. आफ्टर दिस फोर्थ वी हैव द फिफ्थ वन विच इज कॉल्ड एज प्लैंक रूट्स और दे आर कॉल्ड एज ब्यूट्रेसेस. BUTTRESSES ब्यूट्रेसेस. नाउ दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन एग्जाम्पल लाइक सिल्क कॉटन और पीपल. कौन सा एग्जाम्पल? सिल्क कॉटन और पीपल. So silk, cotton or people. Fine. So in this silk, cotton and people, what happens is, suppose we have the plant over here. We can see these roots. They are growing कहाँ पे? On the surface. ये ना बाहर ग्रो होते हैं. कहाँ पे ग्रो होते हैं? On the soil. ये बाहर. They are acting like wooden planks. यहाँ पे these are additional roots. These are additional roots. Which are present. Present कहाँ पे रहते हैं? Outside. कहाँ पे? On the surface. कहाँ पे present रहते हैं? On the surface. So these are plank roots or they are called as buttresses. The last root which we have to see is about the buoyant roots. कौन सा roots है? Buoyant roots. नाम इसका buoyant roots है. मतलब इसमें क्या होगा? एयर, हवा भरी होगी. सो इन दीज प्लांट्स व्हाट हैपेंस इज द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स दे हैव गॉट एयर स्पेसेस. क्या है इनमें? एयर स्पेसेस और एम्प्टी स्पेसेस. एंड द एग्जांपल फॉर सच बॉयंट रूट्स इज जूसिया रिपेंस. So these buoyant roots, ये जो roots आते हैं ना, ये कहाँ पे आते हैं? They are coming at the base of the node in aquatic plants. यहाँ पे ये जो roots है ना, ये कहाँ पे आते हैं? Aquatic plants में. Aquatic plants में कहाँ पे? So these roots are present at the base of the node. Base of the node मतलब जो नोड है, लोअर मोस्ट नोड है, उसके नीचे ये रूट्स आते हैं. एंड दे हैव गॉट एयर स्पेसेस इन देम विच इज फिल्ड विथ एयर, जिससे क्या हेल्प होता है वो प्लांट को? टू फ्लोट और वॉटर. सो इसमें जो आपको मेन वर्ड याद रखना है ना, ये प्लांट्स एक्विटिक है, मीन्स दे आर लिविंग इन वॉटर. पानी में ग्रो होंगे और वो कहाँ पे आएंगे? झाड़ का जो बेस वाला नोड है ना, वहां से ग्रो होंगे. दे आर ग्रोइंग टू ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द नोड. एंड इनके अंदर क्या रहेंगे बच्चा लोग? एयर स्पेसेस. बिकॉज दे विल बी फिल्ड विद एयर, तो दे हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वॉटर. एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस इज जूसिया रिपेंस. जूसिया रिपेंस which is an aquatic plant. ये कौन सा है? Aquatic plant. So with this we complete mechanical support, जिसमें हमने देखा first one was prop root, second one was silk root, third one was climbing root, fourth is clinging root, fifth one plank root or buttresses, and sixth one is buoyant roots. Now we are going to see special functions. So third one is for special functions. Now these special functions में जो फर्स्ट वाला हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपीफाइटिक रूट. क्या बोलते हैं इसको? एपीफाइटिक रूट. नाउ दिस एपीफाइटिक रूट इज वेरी सिंपल. एज वी कैन सी एपीफाइटिक रूट, जंगल में बड़े बड़े झाड़ होते हैं. सो बड़े झाड़ों के वजह से जो नीचे छोटे झाड़ हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट सनलाइट. सो इन हम लोग क्या बोलेंगे? एपीफाइटिक. यहां पे हम लोग बोलेंगे, यहां पे सच प्लांट्स लाइक, कौन से प्लांट्स है? लाइक ऑर्चिड्स. कौन से प्लांट्स है? लाइक ऑर्चिड्स. ये ग्रो होते हैं, ग्रो ऑन बिग ट्रीज. किसके ऊपर ग्रो होते हैं? ऑन बिग ट्रीज. किसके लिए ग्रो होते हैं ऑन बिग ट्रीज? टू गेट सनलाइट. टू गेट सनलाइट. अभी ना मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको. ये सपोज एक बिग ट्री का ब्रांच है, जिसके ऊपर हमारे पास
ये ग्रो हो रहा है बच्चा लोग ऑर्चिड, ये कौन ग्रो हो रहा है ऑर्चिड। अभी इसके पास ये जो रूट्स रहते हैं ना, ये कौन से रूट्स है, दीज आर कॉल्ड एज हैंगिंग रूट्स, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस हैंगिंग रूट्स। नाउ दीज हैंगिंग रूट्स दे कैन बी सिल्वरी वाइट और दे कैन बी ग्रीन। अगर वो ग्रीन रहेगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। Now, these hanging roots, they have got small, small pores. Few small, small pores hai, because they are made up of special tissue. Kisse bane special tissue, jiska naam hai velamen tissue. Kya naam hai? Velamen tissue. This velamen tissue is having small pores. क्या रहते हैं उसके अंदर, पोर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर। क्या करता है बच्चा लोग, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, ऑफ वाटर, कहां से, फ्रॉम एयर। सो व्हाई वी कॉल दिस एज एपीफाइटिक, इसको एपीफाइटिक क्यों बोला है, ये दूसरे झाड़ के ऊपर ग्रो हो रहा है। एंड क्यों ग्रो हो रहा है, ओनली टू ऑब्टेन सनलाइट। एंड इसके पास जो रूट्स है हैंगिंग रूट्स, दे आर ना खुद का काम खुद करते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जिसका नाम क्या है, वेलामेंट टिश्यू, जिसके अंदर क्या रहते हैं बच्चा लोग, पोर्स। पोर्स की वजह से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर हवा से लेते हैं। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर कहां से, फ्रॉम दी एयर, दे आर गोइंग टू टेक मॉइस्चर फ्रॉम दी एयर। नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी दी लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज दी सकिंग रूट्स। दी सकिंग रूट्स are called as hostoria. Sucking roots are called as hostoria. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में खाली ऑर्चिड्स दिया था, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, वी कैन से वैंडा और डेंड्रोबियम, वैंडा एंड डेंड्रोबियम। नाउ व्हेन वी सी द नेक्स्ट सकिंग रूट्स और हॉस्टोरिया, इनमें हम लोग को ये याद रखना है, दीज रूट्स इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो रूट्स है ना, ये एक होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं। क्यों ग्रो होते हैं, टू एब्जॉर्ब नरिशमेंट, बिकॉज उनका नाम ही सकिंग रूट्स है। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सच रूट्स दे ग्रो, किसके ऊपर ग्रो होते हैं, ऑन होस्ट प्लांट, कोई एक होस्ट प्लांट पे ग्रो होते हैं, किसके लिए, टू एब्जॉर्ब नरिशमेंट। क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, नरिशमेंट, टू एब्जॉर्ब नरिशमेंट। अभी इसमें दो ऑप्शन है, जब भी वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर तो क्या बोला जाएगा उसको, पार्शियल पैरासाइट। इसमें क्या होता है पार्शियल पैरासाइट में, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दीज रूट्स दे पेनिट्रेट, किसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, दी जाइलम, दे आर गोइंग टू पेनिट्रेट दी जाइलम and they are going to absorb only water and minerals. क्या absorb करेंगे, water and minerals. तो तभी उसको क्या बोला जाएगा, partial parasite. Partial parasite and the example for this is viscum album. क्या example है, viscum album. And when we say total parasite में we have the example as Cascata reflexa. The example over here is Cascata reflexa. Here we are going to see ये जो parasitic root है ना, parasitic root, वो ये अपना host plant है, suppose this is our host plant. इसके ऊपर ये देखो, ये parasitic root grow हो रहा है, ये क्या absorb करेगा, this parasitic root is going to absorb water and minerals. क्या absorb करेगा, water and minerals. कहाँ से, फ्रॉम दी जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से, फ्रॉम दी जाइलम। एंड दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब फूड कहाँ से, फ्रॉम दी फ्लोएम, फूड फ्रॉम दी फ्लोएम। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टोटल पैरासाइट, इट इज कॉल्ड एज टोटल पैरासाइट। सो विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। So with this we complete one part of morphology which is about root. The upcoming topics which would be there would be about stem, leaf, flower, and then we have got the seed and the fruit which are still to come. So for that please stay tuned to Study Life. Thank you.